अगला क्या दिया है, हमको इसको डबल इंटीग्रेट करना है, ठीक है, यक्स वाई वन प्लस यक्स प्लस वाई डीएक्स डीवाई को डबल इंटीग्रेट करना है। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 3 तक और 1 से 2 तक है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, वाई का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, यक्स को कॉन्स्टेंट रख लेंगे। उससे पहले इसको ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 0 से 3 1 to 2 क्या मिल जाएगा, यक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस यक्स स्क्वायर वाई प्लस यक्स वाई स्क्वायर, चलो ये हो गया, और डी एक्स डी वाई है। तो करते क्या है, पहले वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेते हैं, और क्या यक्स को कांस्टेंट कर, यक्स को बाहर कर लेते हैं, यक्स को कांस्टेंट कर लिया मतलब बाहर ही कर लिया, ठीक है, उसको गेम से बाहर ही रखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इंटीग्रल 0 to 3 स्प्लिट नहीं करते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं। इतना तो आप हायर लेवल में आ चुके हो कि डायरेक्टली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यक्स तो कॉन्स्टेंट ही हुआ। यहाँ पे वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट बाद में रख लेंगे सब में, ठीक है, प्लस यक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे क्या आएगा वही है वाई स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे क्या आने वाला है यक्स कॉन्स्टेंट वाई क्यूब बाई थ्री, लिमिट अब रखेंगे यहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, वाई इज इक्वल टू 1 से 2 तक, क्योंकि हमने वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो वाई की जगह पे 1 से 2 रखेंगे, वाई की जगह पे 1 से 2, यक्स को कुछ भी नहीं करेंगे, यक्स जैसा था उसको वैसे ही रहने देंगे, बस वाई की जगह पे अपना वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल 0 to 3 और डीएक्स बाहर है, उसको बाहर ही रखो, 0 to 3 यक्स बाहर है, वाई की जगह पे रखो 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 बाई 2 प्लस यक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 प्लस यहाँ पे यक्स 8 बाई 3 होगा, और फिर क्या -1 रखेंगे हर जगह, तो सिंपली यक्स बाई टू प्लस यक्स स्क्वायर बाई टू प्लस यक्स बाई 3 मिलने वाला है, ठीक है। सबसे बाहर डी एक्स तो है ही, सबसे बाहर डी एक्स तो है ही, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 2x आ गया, और यहाँ पे भी 2x² आ गया, यहाँ पे तो इतना ही रहने दो। चलो तो सबको साथ में कर लिया जाए, कर सकते हैं, 2x है और -x/2 मतलब क्या 3/2 बचने वाला है। तो इंटीग्रल 0 to 3 क्या मिल गया हमारे पास, 3/2x, और यहाँ पे 2x² है, और यहाँ पे माइनस का x²/2 मतलब क्या, यहाँ पे भी वही बनने वाला है, 2 में से आधा गया तो 1.5 बचा, तो वही 3/2, 3/2x², और यहाँ पे 8/3 है, और यहाँ पे माइनस के x/3 है, यहाँ पे 8/3x है, और यहाँ पे -x/3x है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या मिला हमको, 3 बेस में वही मतलब 7/3 मिला, तो प्लस का 7/3x मिला, ठीक है, डी यक्स। अब क्या करते हैं, जो भी बच रहा है उसको यक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, जो भी चीज आएगा उसमें क्या कर लेंगे, लिमिट को 0 से 3 पुट कर लेंगे, ठीक है, यहां तक हो गया। थोड़ा सा स्पेस चाहिए और कुछ नहीं, तो करते क्या है, स्टार्ट करते हैं यक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, ठीक है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे 3/2 कॉन्स्टेंट है कि यक्स का इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर बाई टू प्लस यहाँ पे 3/2 कांस्टेंट है, यक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मिलेगा यक्स क्यूब बाई थ्री, और फिर क्या प्लस यहाँ पे 7/3 कांस्टेंट है, यक्स स्क्वायर बाई टू मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, मतलब 3/4 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यूब बाई टू प्लस 7/6 यक्स स्क्वायर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यक्स का वैल्यू 0 से लेके 3 तक, मतलब सिर्फ 3 ही रखना है, 0 रखने का कोई मतलब नहीं है, तो 3 रखेंगे एक्स की जगह पे, तो कितना जगह 3 का स्क्वायर हो जाने वाला है 3 9 27/4, यहाँ पे क्या आने वाला है 9 27, सिंपली 27/2 प्लस यहाँ पे क्या रखते हैं 3 का स्क्वायर, मतलब 3 × 3 रखेंगे, तो 3 2 6 कट गया, 7 3 21/2 मिला, ठीक है। चलो इतना हो गया, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो, आंसर तो आ ही चुका है, ठीक है, मतलब 48 हो गया, 47 और 20, हाँ 28 मतलब क्या 424 मिला, तो कितना हो गया 96 और 27 कितना मिला, 3 9 11 12 मतलब क्या 123/4, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आप क्या कर लो, इसको नोट कर लो, कुछ था नहीं, बस 2 बार इंटीग्रेट करना था, ठीक है, एक बार हमने वाई का रिस्पेक्ट में कर लिया, फिर एक बार एक्स का रिस्पेक्ट में कर लिया, ठीक है।